अब मैं श्री राम किशोर नानू कावरे माननीय प्रभारी मंत्री पन्ना से उद्बोधन के लिए आग्रह करती हूँ। अपना उद्बोधन इस मौके पर हम सभी को प्रदान करेंगे श्री राम किशोर नानू कावरे माननीय प्रभारी मंत्री पन्ना। एक बार जयकारा बोलो, भारत माता की, भारत माता की। ऐतिहासिक पल, और इस ऐतिहासिक पल में आप सबकी इच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करना चाहते हैं। मैं देख रहा हूं कि मंच में बैठे हुए सभी अतिथि और मंच में पीछे खड़े सभी लोग स्वागत करना चाहते हैं, तो मैं आप सब की ओर से आप सबसे आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें, अभिवादन करें। अब कोई नहीं छूटे इस स्वागत से। आज कैसे अभियान के इस कार्यक्रम में, और इस अभियान के इस कार्यक्रम में करोड़ों रुपए के सौगात लेकर आपके इस शहर, आपके इस जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके चहेते आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मंच पर विराजमान, हम सबके प्रदेश के अध्यक्ष और आप सबके जिले के सांसद आदरणीय विष्णुदास शर्मा जी मंच पर विराजमान, हमारे विधायक जी मंच पर विराजमान, हमारे पूर्व विधायक वर्मा जी, हम आप सबके चहेते हमारे इस जिले के मंत्री आदरणीय हमारे खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप जी हमारे बीच में उपस्थित, आज पूरे प्रदेश में हम सबको सहयोग करने वाले ऐसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी मंच पर विराजमान, चूंकि मंच बहुत बड़ा है और आप सब भी माननीय मुख्यमंत्री को सुनना चाहते हैं, ऐसे मंच पर सभी सम्मानीय मंचासीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे जिले के सभी पदाधिकारी और उपस्थित सभी हमारे जनता जनार्दन, आज हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता का दिन है। हमारे इस पन्ना जिले से एक बड़ी सौगात, हमारे इस जन कल्याण, जनता की सेवा, हम सब का लक्ष्य है कि हम जनता की सेवा करें, और हमारे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है उस सोच को लेकर हम सब लोग यहाँ साक्षी बनकर यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार मैं अपनी ओर से, चूंकि प्रभारी मंत्री आपके पन्ना जिले के होने के नाते आपका सेवक बनकर यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधित्व करने के यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ, उनके सहयोगी के रूप में आप सबकी सेवा करने के लिए एक बार जोरदार आपका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए, चूंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आप सबको सुनना है, मैं इतना ही आप सबसे सहयोग, इतना ही अपेक्षा करता हूं कि हम आपके लिए सेवा के लिए जो आपने सरकार बनाई है, हमें जो आपने जनता का सेवा, आपने जो सेवा करने का अवसर दिया है, वो आप तक के सेवा करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश एक विकास की ओर लेके चलेंगे, एक समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने का हम सब लोगों ने संकल्प लिया है, उस संकल्प के साक्षी आप सब लोग रहेंगे और उसी के साथ हम काम करेंगे। आज यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने भूमि पूजन और इस जिले के माध्यम से हमने लोकार्पण किया है, एक बड़ी विकास के सौगात इस पन्ना जिले के माध्यम से हमने देने का काम किया है। आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय के गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, हमारे ब्रजन सिंह जी का धन्यवाद करता हूं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि इस पन्ने जिले में आपने एक नए सौगात को लेकर यहां पर आए। आप सब लोगों का अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हार्दिक धन्यवाद श्री राम किशोर कावरे माननीय प्रभारी मंत्री पन्ना।